फौजी के मारी गोली घायल। बरेली पिता के साथ खेत पर गए फौजी के सीने पर दबंगों ने गोली मार दी। उसको लहूलुहान हालत में CHC पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे निजी अस्पताल को रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची फतेहगंज पूर्वी पुलिस को घटनास्थल पर एक तमंचा पड़ा मिला। पुलिस ने दो आरोपी को हिरासत में लिया है। फौजी राजवीर सिंह फतेहगंज व पूर्वी थाना क्षेत्र के कादरगंज गांव के गंगासत का बेटा है। वह पिछले एक साल से अपने घर पर रह रहा है। राजवीर आज सुबह अपने पिता के साथ कुडली गांव में अपने खेत पर गया था, जहां पहले से ही गांव का बड़े और पड़ोसी गांव का बबलू आदि घात लगाए बैठे थे। परिजनों ने बताया कि तीनों आरोपियों ने उसके बेटे राजवीर को खेत में पकड़ लिया। वह उसको एक झोपड़ी में ले गए। वह उनके पीछे जाने लगा तो उसे तमंचा दिखाकर रोक दिया, पीछा करने पर गोली मारने की धमकी दी। वे तीनों उससे जोर जोर से बात कर रहे थे। इस बीच उसने गोली की आवाज सुनी और तीनों आरोपी वहां से भाग गए। उनके जाने के बाद वह भागकर झोपड़ी में पहुंचा तो राजवीर लहूलुहान हालत में पड़ा था। आसपास के लोगों की मदद से वह उसे CHC ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। उसको सिविल लाइंस के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नहीं, फौजी नहीं है। 2 साल नौकरी की थी इसने बहुत पहले और छोड़ाया था। उसके बाद ये इधर उधर के गलत काम भी करता था तो जेल भी गया है आदमी। तो सुबह सूचना मिली थी कि राजवीर जो एक्स फौजी है उसके तीन लोगों ने गोली मार दी है। थाना फतेहगंज पूर्वी कादरगंज की घटना बताई गई थी। तो मैं ही मौके पर गया था, बाकी सब और अधिकारी भी मौके पर गए। तो घटना ये संदिग्ध प्रतीत हो रही है, जिससे ये बता रहा है कि गोली मारी है उसका। इस पर 3,05,000 रुपये उधार था और वो आदमी ठीक ठाक रेपुटेशन का आदमी है। वो गांव के ही एक बड़े नाम के आदमी को और अपने एक साथी को लेकर इससे पैसा मांगने गया था खेत पर। तो प्रथम दृष्टया केस जो बनाया हुआ लग रहा है, जो मजरूब है राजवीर उसका इलाज चल रहा है। और जो लोग जिन्हों बताया जा रहा था तीन लोग, उनमें से दो थाने पर आ गए हैं अपने आप ही चल, तो बता रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से जो तहरीर देंगे उस पर मुकदमा लिखा जाएगा। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है और गहरी छानबीन करने के बाद जो आगे कार्रवाई की गई। मारी गोली बबलू ने। क्यों हमें ना मालूम का बात। परसों आए बूझी हमने कही खेत में, तो खेत भी चले गए। हमसे जा कही दी तो कंटिवेटर लेने आएंगे। हमने कही दी क्यों कही जुताई करें, बस इतनी कही के हमसे चले गए। आज खेत पे काम कर रहे हैं? आज अंधेरे ही गए हुए हैं खेत, बुग्गी लेके। मतलब जाने ना देते जा मालूम होती। अच्छा, तो कोई लड़ाई झगड़ा कछु ना है? लड़ाई झगड़ा हो। कितने लोग हैं अकेले? वे तीन लोग हैं जी अकेले। कैसे गोली मारी? तमंचा से। अब जाओ ना है मैं मालूम तमंचा हो का हो उन पर। वीर है वो हमारे भैया, हमारे साथ में गए थे वो, दुखे थे थारे। हम दूर थे, हमारे पापा भी दूर थे और तीन लोगों ने जाके उन्हें अकेले में घेर लिया और गोली मार दी उनके। पैसे का लेन देन था। कौन है वो लोग? वो लोग अमरेक के थे, बबलू थे, बंदूक थे, क्या थे? नहीं, तमंचा था 3 से 15 का। अच्छा, कितनी गोली मारी है? एक गोली सीना पे मारी है।